जा बीबी मशीन ला, अपने सांस का बीबी चेक कर, चेक कर। पापा पहले मेरी सांस ले। अरे पहले बापूजरा का चेक कर भाई। क्यों? अरे बढ़ गया होगा। ला पुश पुश करूं? एक सेकंड मैं करता हूँ। मम्मी बीबी सच में नॉर्मल हो गया। अरे तू सच में जुगाड़ू है पुष्पा। अरे सिंपल सा लॉजिक है बापूजरा, खुश रहने से नाचने गाने से ना टेंशन अपने आप आधी हो जाती है, इसलिए सुशीला आज के बाद तू हमेशा खुश रहेगी समझे। आग लगी बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। सीधा घर पर क्यों नहीं आए? आपको पता कितनी फिक्र हो रही थी मुझे आपकी। आप यहाँ पर ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं? घर पर चलिए ना, मैं मम्मी को समझाऊंगी, वो मना नहीं करेगी। प्लीज आइए ना डैड, आइए ना। आप सोच क्या रहे हैं डैड? प्लीज आइए डैड, आप सोचिए मत, मैं मम्मी को समझाऊंगी ना। प्लीज चलिए ना आप मेरे साथ डैड, प्लीज चलिए ना। राशि हाँ, किससे बात कर रहे हो बेटा? मम्मी देख डैड खड़े हैं, देख डैड आए। मैंने ना इसीलिए फोटो पे से हार हटा दिया था, मुझे विश्वास था कि डैड मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। देख मम्मी डैड वापस आ गए। डैड आप यहाँ पर ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं? घर पर चलिए ना, मैं मम्मी को समझाऊंगी। राशि मम्मी एक बार तू बोलना डैड को घर पे आने के लिए, तू बोलेगी तो वो पक्का आएंगे। वहाँ पर कोई नहीं है रसी। अरे कोई नहीं है क्या? देखना डैड सामने ही तो खड़े हैं। और देवी जी ने भी तो कोर्ट में साबित किया ना, डीएनए रिपोर्ट भी इनकंक्लूसिव है। मम्मी डैड ने ना पुरानी वाली ट्रिक अपनाई है, तो प्लीज एक बार डैड को बोलना घर पे आने के लिए। तुझे हमेशा मेरी बात गलत ही लगती है, लेकिन देवी सिंह जी की भी लगती है क्या? मेरी नहीं तो एटलीस्ट उनकी बात तो मानना मम्मी, जज सामने भी तो माना ना। तो फिर तू क्यों नहीं मान रही है? प्लीज एक बार डैड को बोलना घर पे आने के लिए, वो पक्का आएंगे। राशि वहां पर कोई नहीं है बेटा, वहां पर कोई नहीं है।
रशी, अरे क्या हुआ इसे? मैं उसे ओके। रशी, अच्छा अचानक? बाद में बता दियो। देखिए, गहरा सदमा पहुंचा है। She seems to be hallucinating. इंजेक्शन लगा दिया है, सोने दीजिए। वैसे कुछ केसेस में साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत पड़ती है। But let's see, अभी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कल देखते हैं। मैं चलती हूँ। Thank you. सोचा नींद कैसी आएगी दीप्ति? मुझे राशि की बहुत चिंता हो रही है। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। दिलीप ने ना कभी चैन से जीने नहीं दिया, ना मुझे और ना मेरे बच्चों को। जिंदा था तब भी नहीं और अब नहीं है तब भी नहीं। एक बार पता चल जाए कि जिंदा है या नहीं तो कुछ समझ में आए, तब तक मुझे सूझ ही नहीं रहा है कि राशि को क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं। इसमें राशि की गलती नहीं है माँ। जिस तरह देवी जी ने कोर्ट में दलील रखी थी, राशि क्या हम सब पे मानने के लिए तैयार नहीं कि पापा नहीं रहे? राशि उनसे बहुत क्लोज थी, इसलिए मान नहीं पा रही कि वो नहीं रहे। सालों में कुछ पैर मारे गए मुझे। दीप्ति, तू स्वरा को वापस ले आ। घर में थोड़ी रौनक आ जाएगी, घर जीवंत हो जाएगा उसकी खिलखिलाहट से। आपने मेरी मन की बात कह दी, मैं भी उसे बहुत मिस कर रही हूँ। तो बस फिर कल ही ले आना। तुम दोनों जाओ, सो जाओ, मैं हूं राशि के पास। के लिए तो ऐसा लगा जैसे 20 साल पीछे चले गए हम। दीपू भी ऐसे ही सोया करती थी ना हमारे बीच। सुनल, जब सरिता के साथ गार्डियन का फॉर्म भरा था हमने, तब कहां पता था कि सच में हमें गार्डियन का रोल अदा करने की नौबत आएगी। ये फॉर्म स्कूल से दिया है, आप पढ़ के मुझे समझा देंगी क्या? फीस भरनी है। हाँ हाँ। अच्छा सरिता, स्वरा का एजुकेशन का सारा खर्चा हम दोनों उठाएंगे, जब तक तुम यहाँ हो तब तक बतौर गार्डियन। हाँ, तो गार्डियन की जगह पर हम दोनों ही साइन करते, ठीक है? आई, ये गार्डियन क्या होता है? सोनल आंटी और मनीष अंकल तुम्हारा ख्याल रखेंगे, और जो ख्याल रखते हैं उसे गार्डियन कहते हैं। क्यों, तुम मुझे छोड़कर कहीं जा रही हो? नहीं बेटा, तुम्हारी आई कहीं नहीं जा रही, हम बस तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ओके, वेरी गुड गर्ल। याद है मनीष, उस दिन स्वरा ने पूछा भी था कि तुम मुझे छोड़कर कहीं जा रही हो क्या? क्यों छे ना मनीष, बच्चों के मुंह से निकली हुई बातें कैसे
कैसे कभी कभी सच हो जाती है। इसीलिए तो बच्चों को भगवान का रूप कहते हैं सोनम। But I'm really happy कि दीपू और अश्विन ने बिल्कुल सही फैसला लिया है इस बच्चे को अडॉप्ट करने का। I hope everything works out well for them and her. राशि, तूने बताया नहीं तेरी ट्रिप कैसी थी? असाइनमेंट के बारे में कुछ बताना। हाँ, हम तो भूल ही गए इस झमेले में। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है मोहल्ला समिति की मीटिंग है, बस निकल ही रही हूँ। हाँ राशि, ठीक है? सिर बहुत दुख रहा है मम्मी। तो कुछ खा ले बेटा, नाश्ता तैयार है, मैं लेकर आती हूँ। हाँ बोलिए जी। प्रार्थना, एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ भाई, ये काम करना, मस्त अदरक वाली चाय बना दे राशि के लिए, उसके सामने झड़ दूंगा। और नाश्ता बजे नाश्ता तैयार है, ठीक है? हाँ भाई। हाँ हाँ, नहीं नहीं, फरसान का और स्वीट का अलग से लगेगा। जी जी जी, एक काम कीजिए, इस नंबर पे मुझे लिस्ट भेज दीजिए और पैसे भी ट्रांसफर कर दीजिए। भले भले। अरे बद्दा ने आज फोन करवा छे। अरे बोला ना, मैं निकल रही हूँ। हाँ हाँ, बस निकल। अरे आ जाओ। हाँ निकली घर नहीं, बाहर एक पैर बाहर निकाला, अभी दूसरा निकाला, बस पहुँच रही हूँ। डरता क्या हुआ नाश्ते का बेटा? मम्मी ला रही हूँ। मम्मी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। तू आज कहीं मत जा, मेरे पास ही रहना प्लीज। राशि के साथ रहना भी जरूरी है, बच्चे अपने अपने काम के लिए तो जाएंगे। जी, आज का लिस्ट कुछ पेचीदा है। 10 बजे हम लोग को जाना है मरीन लाइंस मीटिंग के लिए, उसके बाद 11 बजे जाएंगे अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पार्टी मीटिंग के लिए। बोलो अब ये मरीन लाइंस से अंधेरी कैसे जाएंगे बताओ? जब तुझे पता था कि मरीन लाइंस से अंधेरी आधे घंटे में नहीं पहुंच सकते तो ऐसा शेड्यूल बनाया क्यों? बस यही यही मैनेज करना तुझे सीखना है। ठीक है, मैं कुछ रास्ता निकालता हूँ। ये मरीन लाइंस वाली 10 बजे की मीटिंग जो है ना, उसे ऑनलाइन कर लेते हैं। तो क्या होगा, दोनों मीटिंग आप कर पाएंगे और बाद में पाटिल साहब के साथ लंच करना है, वो भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। वाह वाह रमेश, बहुत बढ़िया। देखा बापूद्रा के साथ रह के तेरा दिमाग कैसे भागने लगा है। बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, बस धीमे धीमे सीख जाएगा। वो संगत का असर तो होता है ना है? अच्छा सेठ जी, दोपहर को झोपड़पट्टी खाली करवाने जाना है, वहाँ के यूनियन वालों के साथ मीटिंग है हमारे। अरे बस कर भाई, थोड़ा काम कल के लिए भी बचा के रख। देखा सूची कैसा टाइट शेड्यूल बनाता है, तेरे लिए टाइम ही नहीं बचता बापूद्रा के पास, कैसे ध्यान रखेगा तेरा? बापूद्रा जी, आप सुशीला बहन की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं हूँ इनके पास, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए और अपना काम निपटाइए बस। अरे वाह सुशी, मतलब रमेश बापूद्रा का पिए, नीलिमा तेरी पिए है? पिए नहीं है, वो मेरी बेनपणी है। चलो चलो सेठ जी, और भी मीटिंग्स हैं आज, वो रास्ते में बताता हूँ आपको। नहीं करना है रास्ता, चैन से नाश्ता भी नहीं करने देता। चल निकल अभी रास्ते पे। तेरा पति है ना, सच में आतंकवादी है, टाइम टेबल दिखा दिखा के आतंक फैलाता है। इसका नाम रमेश नहीं, टीटी रखना चाहिए। हाँ टीटी, टाइम टेबल। चल आप भी चुप मत बैठ। संगीता ताई। अरे पुष्पा जी आइए आइए।
गई। ये क्या है पुष्पा जी? मेरा इस्तीफा। इस्तीफा? अचानक ये सब? बात क्या है पुष्पा जी? अभी क्या बोलूं मैं आपको, इस समय बहुत कुछ चल रहा है दही। घर भी बिखरा पड़ा है, दिल और दिमाग भी। कोई नहीं संभाल पा रही हूं मोहल्ला, तो मैं क्या ही संभालूंगी। पुष्पा जी, उतार चढ़ाव हमारी जिंदगी में आते ही रहते हैं। आपने कम मुसीबतें देखी हैं क्या? इस तरह भागने से क्या होगा? देखिए, हम सबको कभी ना कभी इन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आप एक काम कीजिए, कुछ टाइम का ब्रेक ले लीजिए, जब दिमाग शांत हो जाए तो फिर काम पे लौट आइए। ऑफिस और काम की फिक्र बिल्कुल मत करिए, वो सब मैं संभालूंगी। मैं आपका ये इस्तीफा हरगिज एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ये लीजिए। ताई आप ना, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। लीजिए। मैं एक काम करती हूँ, इसे अपने पास रख लेती हूँ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, मैं चलती हूँ। थैंक यू। हेलो, संतोष बोल रहा हूँ, क्या खबर है? सर, प्रकाश गोरखे की फैमिली ने पुलिस में मिसिंग कंप्लेन कर दी है। और मंगल ने पुलिस को यह भी स्टेटमेंट दिया है कि प्रकाश आग के टाइम साइन वाला रेस्टोरेंट के अंदर था, और पुलिस को शक है कि वो लाश शायद प्रकाश की भी हो सकती है। इसका मतलब मेरा शक सही था, दिलीप मरा नहीं है, वो भी जिंदा है। और मंगल ने जो स्टेटमेंट दिया उससे यही साबित होगा कि 99% वो लाश प्रकाश की ही थी। अच्छा ठीक है, तू मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहना, मैं तुझे कॉल करता रहूँगा। अगर दिलीप जिंदा है तो है कहाँ? प्रार्थना, ये पतीला ऐसे कैसे रखा था? मैंने नहीं रखी भाभी, शायद मम्मी ने हड़बड़ी में रख दिया होगा। माँ कभी ऐसा इरेस्पॉन्सिबल काम करेगी नहीं, चाहे कितनी भी जल्दी में हो। तो मैं करूंगी क्या भाभी? आप मुझे इनडायरेक्टली सुना रही हैं। चल प्रार्थना, भाभी सिर्फ इतना कह रही है कि अगर पतीले को ढक के अंदर की तरफ रखा होता तो ऐसे गिरता नहीं, वेस्ट नहीं होता। अब तू भी भाभी की साइड ले रहा है? मैंने जब कहा कि मैंने नहीं रखा है तो आप दोनों क्यों मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे हो, क्यों मुझे सुना रहे हो? इट्स ओके प्रार्थना, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। मुझे मॉम डैड के यहाँ जाना, प्लीज राशि का ध्यान रखना। पुष्पा बहन, मैं ये कह रही थी जो हुआ उसे भूल जाते हैं, गलती हो गई मुझसे, गलत समझा मैंने आपको, आप मुझे अपने दोस्त और हमदर्दी समझिए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं, मैं आपको हर तरह सपोर्ट करूंगी। थैंक यू। पुष्पा बहन, एक बात पूछनी थी आपसे, कुछ पता चला आपके पति जिंदा हैं या नहीं? वो मेरे पति नहीं थे रुक्मिणी जी, हमारा डाइवोर्स हो चुका था। सॉरी, आपके एक्स हस्बैंड के बारे में आपको कुछ पता चला?
डीएनए टेस्ट भी पुष्टि नहीं कर पाया, इसलिए पूछ रही थी। नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे जरा देर हो रही है। ये ऐसे कुछ भी नहीं बताएगी, मुझे इसका विश्वास जीतना होगा। पर जो भी हो, इसका एक्स हस्बैंड दिलीप पटेल खिलाड़ी निकला, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने में माहिर। पर मैं भी कम नहीं, देख लूंगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।